इम्पैक्ट कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी धूनापुर भोट जनपद रामपुर में विज्ञान प्रदर्शनी, टीएलएम प्रदर्शनी, होम साइंस प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि थाना अध्यक्ष भोट निशा खटाना तथा विशिष्ट अतिथि चंद्र विक्रम सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम का मुख्य अतिथि द्वारा फीता काट कर शुभारम्भ हुआ। प्रदर्शनी में मुख्य आकर्षण इम्पैक्ट कॉलेज का मॉडल प्लेंटोरियम, सोलर पावर, इलेक्ट्रिक ऑटो शेड मॉडल, रेशम का उत्पादन चक्र मॉडल, कोरोना वायरस एंड वैक्सीन मॉडल, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलिंग सिंचाई मॉडल, प्रदूषण मुक्त इंडस्ट्री मॉडल, केमिस्ट्री के मॉडल, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मॉडल, डायलिसिस मॉडल, एसिड रेन मॉडल, वेजिटेबल कटर मॉडल, हार्ड वर्किंग मॉडल, एम्यूलिफिकेशन मॉडल, ग्रीन हाउस मॉडल, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, विंडमिल मॉडल, फोटोसिंथेसिस मॉडल, नाइट्रोजन फिक्सेशन मॉडल आदि थे। इसके अतिरिक्त होम साइंस विभाग की छात्राओं ने कुकिंग विद आउट फायर और कई तरह के स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक डिश बनाई। इसके अलावा छात्र छात्राओं द्वारा कई एजुकेशनल गेम्स के मॉडल्स भी तैयार किए गए। मेहमानों और प्रवक्तागणों ने सभी छात्र छात्राओं की बहुत प्रशंसा की। मुख्य अतिथि द्वारा सबसे अच्छे मॉडल तैयार करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार दिया गया। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्य अतिथि ने इम्पैक्ट कॉलेज में चलाई जा रही शानदार टीएलएम और साइंस स्पेक्ट्रिकल शिक्षा की बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि इससे छात्र छात्राओं को अपने सब्जेक्ट में शानदार प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। प्राचार्य प्रोफेसर आसिम अहमद ने बताया कि छात्र छात्राओं के चौमुखी विकास के लिए प्रदर्शनी बहुत जरूरी है। अंत में कॉलेज चेयरमैन डॉक्टर सुल्तान सैफी ने सभी मेहमानों का शुक्रिया किया, छात्राओं की और विभाग अध्यक्षों की शानदार प्रदर्शनी आयोजित करने पर प्रशंसा की। इस अवसर पर कॉलेज एमडी सरताज अहमद, वरिष्ठ प्रवक्ता यास्मीन जैदी, नगमा बी अनुप्रिया वशिष्ठ, सुशील कुमार, अनीस अहमद, डॉक्टर आशीष अग्रवाल, डॉक्टर दानिया अहमद, सनम खान, रूबी आशा, डॉक्टर शाजिया, शुवेब त्यागी एवं आसिम खान, सी लाल, डॉक्टर विकी सैनी, यासर खान, विकास कौशल, सूरज गंगवार, रेहान नैयर, मेहताब मोहम्मद आरिफ, मुस्कान खान आदि लोग मौजूद रहे। आज इम्पैक्ट कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक साइंस एग्जीबिशन, इसके अलावा टीएलएम एग्जीबिशन और होम साइंस डिपार्टमेंट के कुछ जो उनके मॉडल्स थे उसकी एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में थाना अध्यक्ष भोट श्रीमती निशा खटाना जी हमारी चीफ गेस्ट रहीं और गेस्ट ऑफ ऑनर श्री चंद्र विजय जी जो कि एसएसआई भोट हैं वो रहे। कॉलेज में हर साल इस तरह की जो प्रतियोगिताएं हैं और जो एग्जीबिशन है आयोजित की जाती है, खास तौर से साइंस के मामले में, तो इस बार भी स्टूडेंट्स ने बहुत इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जो लोग वो प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल प्रयोगशालाओं में, लैब्स में, और इसके अलावा जो भी काम सीखते हैं, जो चीज़ें क्लासेस में सीखते हैं, उसको अपने मॉडल के जरिए, मॉडल बनाने के बाद उसको वो सबके सामने पेश करते हैं कि हमने ये चीज़ें सीखी हैं, ये चीज़ें बनाना सीखी हैं। और जितने भी मॉडल होते हैं वो वर्किंग कंडीशन में होते हैं, यानी उनसे खाली ये नहीं कि एक वो मॉडल बना रखा है, लेकिन वो वर्किंग कंडीशन में उसको वर्कआउट करके दिखाते हैं कि भाई हमने जैसे बिजली बनानी है या सोलर सिस्टम वाली चीज़ें हैं वो सारी बनाकर दिखाते हैं। इसमें ख़ास तौर से जो आज हमारे आकर्षण रहे वो थे इम्पैक्ट कॉलेज का मॉडल, जो बहुत ही बच्चों ने खूबसूरती के साथ बनाया। उसमें सारे के सारे जो कॉलेज की फैसिलिटीज़ हैं वो उसमें उन्होंने अंदर बनाई और सब शो करी। इसके अलावा प्लेनेटोरियम बच्चों ने बनाया, इसमें सारे प्लैनेट्स का और उसमें जितना भी साइंस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब उसमें डिस्प्ले की गई। मुख्य अतिथि महोदया ने भी अंदर जाकर वो सारी चीज़ें देखी और बच्चों की बहुत तारीफ करी। इसके अलावा एक मॉडल COVID-19 और वैक्सीनेशन के ऊपर बनाया गया। एमल्सिफिकेशन एक मॉडल बनाया गया, डिस्टिलेशन ऑफ वाटर बनाया गया और एक पॉल्यूशन मॉडल बनाया गया, जिसमें कि पॉल्यूशन किस तरह से किन किन चीज़ों से फैलता है और इसको कैसे रोका जा सकता है। इसी तरह से एक न्यूरॉन मॉडल बनाया गया, ग्रीन हाउस मॉडल बनाया गया, वाटर प्योरिफिकेशन मॉडल बनाया गया, इसके साथ साथ रिकम्बिनेंट मॉडल बनाया गया।